के मांगना चाहिए। हमने तो यही देखा है, अब तक जो मांगा इसी मैया से मांगा है, किसी दूसरे से नहीं मांगा है। क्यों इधर उधर भटक रहे हो? दरबार तो हमने भी दुनिया में लाखों देखे, लेकिन इस मैया जैसा दरबार हमको कहीं नजर नहीं आया। दरबार हजारों देखे, बहुत भटकाऊं भाई, उत्तर से ले दक्षिण तक। अरे दरबार हजारों देखे हैं, ऐसा तो कोई दरबार नहीं। मेरे लिए कुछ भी अधे नहीं है राजन, जो चाहे सो मांग तुझे मिलेगा। राजा दिलीप ने कहा, मां धन दौलत सुख संपत्ति की यूं तो कोई कमी नहीं है, लेकिन वंश चलाने के लिए संतान नहीं है। तब मां ने कहा, राजन मेरी सेवा की है तूने और इसके प्रभाव से मैं प्रसन्न हूं, जा तुझे प्रतापी पुत्र देती हूं। मेरी कृपा से तुझे पुत्र होगा और उसी पुत्र की ख्याति अनंत काल तक जगत में रहेगी। गौ मां के आशीर्वाद से राजा दिलीप के पुत्र हुआ तो नाम क्या रखा? रघु। उसी से रघुवंश आगे चला और उसी रघुवंश में प्रभु रामचंद्र जी ने अवतार लिया। लेकिन देखो कमाल गौ माता का कितना, सूर्य वंश रघुवंश में बदल गया राजा रघु के जन्म लेते ही के, लेकिन आगे भगवान राम आए तो भी रघुवंश का नाम नहीं बदल पाए, राम जी आकर के भी उसको राम वंश नहीं कर पाए, वो रहा तो रघुवंश ही। क्यों? क्योंकि राजा रघु गौ की सेवा से आए। याद रखना, जो गौ की सेवा से आता है जगत में उसका नाम कभी मिट नहीं पाता। तो कहा वत्स, इस प्रकार गौ की कृपा से मानव को संतान हो सकती है।
कहा प्रभु कली काल में जीव ऐसा क्या करे जो निसंतान है और वह संतान प्राप्त कर ले, ऐसा कोई उपाय